नमस्कार फ्रेंड्स, मैं मनमोहन स्वागत करता हूं आपका हमारे आज की क्लास में। आज की क्लास में फ्रेंड्स हम देखेंगे एक्सेल के एक सेल फॉर्मेटिंग होती है कि सेल फॉर्मेटिंग हम कैसे सेट कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो बड़ा सिंपल सा ऑप्शन है और बड़ा इजी ऑप्शन है, लेकिन कई बार क्या होता है कि एक्सेल में लोगों को पता नहीं होता है, स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है, तो उसके बारे में बड़ा इजी से आपको आज समझाऊंगा। मेरे अदर वीडियोज़ को भी वॉच करते रहिएगा, और मेरे पुराने वीडियोस को वॉच करने के लिए मेरे चैनल कंप्यूटर एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी क्लासेस को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए फ्रेंड्स, आज देखते हैं हम हमारा जो ऑप्शन है एक्सेल का, एमएस एक्सेल के अंदर सेल फॉर्मेटिंग। सेल फॉर्मेटिंग आप देखिएगा, यहाँ पे मिलेगी आपको, ये जो मेन्यू दिखाई दे रहा है आपको, इसकी जनरल है। यहाँ पे आप इस एरो पे क्लिक करेंगे तो आपके लिए एक सेल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, फॉर्मेट सेल का। इसका ओपन करने का एक तरीका और भी है, यदि आप इस तरीके से ओपन करते हैं तो यहाँ से ओपन हो जाएगा, अदरवाइज आप क्या कीजिए, जिस सेल पे भी आपको फॉर्मेटिंग करनी है, जैसे आपको सभी सेल्स पे फॉर्मेटिंग करनी है तो आप इनको सेलेक्ट कर लीजिए, इन सभी सेल्स को, और यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट सेल का ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई देगा। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो भी आपके सामने वही फॉर्मेट सेल का ऑप्शन ओपन होगा। इसके अंदर हमको एक फैसिलिटी मिलती है कि हम एक एक सेल को भी फॉर्मेट कर सकते हैं, या एक साथ जितनी सेल्स आप सेलेक्ट करोगे उन्हें भी आप फॉर्मेट कर सकते हो। सेल का मीनिंग केवल एक इस सिंगल बॉक्स से है, जो केवल एक सिंगल बॉक्स होता है, जैसे बीकानेर लिखा हो तो केवल बीकानेर, लखनऊ लिखा हो तो केवल लखनऊ, तो एक जो सिंगल बॉक्स होता है वही क्या कहलाता है, एक सेल कहलाता है। अब हम चलते हैं सेल फॉर्मेटिंग के ऑप्शन पे। तो जनरल फॉर्मेटिंग के अंदर हम क्या देख सकते हैं, जैसे मैंने ये पिन कोड सेलेक्ट किए, पिन कोड का कंप्लीट कॉलम सेलेक्ट किया, आप जनरल का यहाँ से भी देख सकते हो, जैसे इसमें आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है जनरल, जो 1 2 3 जो कोई भी स्पेसिंग या कोई भी स्पेसिफिक फॉर्मेटिंग नहीं होती वो यहाँ सेलेक्ट हो सकती। करेंसी लेनी है आपको, करेंसी पिन कोड, ठीक है, नंबर के लेना है, ये करेंसी लेना है पिन कोड के अंदर, तो आप करेंसी सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। करेंसी के अंदर भी आपको फॉर्मेट मिलेंगे बहुत सारे, तो मैं इसकी कंप्लीट फॉर्मेटिंग ओपन कर लेता हूँ यहाँ से। जैसे करेंसी है तो करेंसी आपको कौन सी लेनी है, आपको डॉलर चाहिए तो यहाँ पे डॉलर आ जाएगा, आपको अमेरिकन चाहिए या जो भी आपको करेंसी चाहिए वो आपको करेंसी यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। आपको रुपीज़ चाहिए तो रुपीज़ भी यहाँ पे मिलेगा, तो जनरल जो इस पे सिंबल है वो डॉलर का शो होता है, तो इस तरीके से आप इन्हें यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इसके लिए हम एक ऑप्शन, एक चीज़ करते हैं, यहाँ पे कुछ नंबरिंग डाल देते हैं, जैसे मैं कुछ वैल्यूज एंटर कर देता हूँ यहाँ पे, ऐसे ही रफली एंट्री कर रहा हूँ मैं ये एंट्री की। अब इन चारों पर मैं चेक करता हूँ फॉर्मेटिंग का ऑप्शन, तो ये जनरल फॉर्मेटिंग है, आपको नंबरिंग लेनी है तो नंबरिंग में आपको कितने डेसिमल पॉइंट लेने हैं, तो यहाँ से आप इन डेसिमल पॉइंट को घटा या बढ़ा सकते हो। जैसे मैं जनरली 0 पॉइंट के बाद 2 डेसिमल पॉइंट लेना चाहता हूँ तो ओके करूँगा तो ये 2 डेसिमल पॉइंट आ जाएंगे। इसी तरीके से वापस से मैं चलता हूँ करेंसी पे, यदि आपको करेंसी चाहिए डॉलर में तो ओके करोगे तो ये देखो डॉलर का साइन लगा हुआ आ जाएगा यहाँ पे। इसी तरीके से मैं वापस नेक्स्ट फॉर्मेटिंग में चलता हूँ, ठीक है, अकाउंटिंग में, तो अकाउंटिंग पैटर्न पे आ जाएगा, डेट फॉर्मेटिंग में आ जाएगा, यदि आपका डेट का कोई फॉर्मेट हो, जैसे आप यहाँ पे डेट एंटर करें तो डेट अलग अलग फॉर्मेट में आप दिखा सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे एक एंट्री करता हूँ 13 अगस्त 2017, तो ये मैंने एंट्री कर दी थी, इसने ऑटो फॉर्मेटिंग ले ली, देखो 13 के बाद डैश आ गया, तो ये एक्सेल की खासियत होती है कि इस तरीके से डायरेक्ट एंट्री ले लेता है। तो आप ये अभी जो डे मंथ और ईयर आ रहा है तो इसको आप MDY भी कर सकते हो, तो ये देखो केवल मंथ डेट और ईयर शो हो रहा है। इसी तरीके से आप इसको अलग कोई फॉर्मेटिंग देना चाहें तो डेट के काफ़ी सारे फॉर्मेट्स हैं, जैसे आप इस तरीके से पूरा फुल फॉर्मेट देना चाहते हैं तो पूरा फुल फॉर्मेट देखो आपके सामने यहाँ पे शो हो गया, संडे 13 अगस्त 2017। इस तरीके से आप अपनी डेट की फॉर्मेटिंग को भी सेट कर सकते हैं, टाइम हो तो आप टाइम का फॉर्मेटिंग भी ले सकते हो। इसी तरीके से आपको परसेंटेज में लेना हो या फ्रैक्शन में लेना हो या आपको साइंटिफिक लेनी हो या टेक्स्ट में लेना हो या आपको कोई स्पेशल नंबरिंग लेने हैं, जैसे जिप कोड होते हैं आप बाहर अलग अलग कंट्रीज़ के वो भी ले सकते हैं आप, या फिर आप कस्टम अपने अकॉर्डिंग जैसे भी फॉर्मेटिंग सेट करना चाहें तो इस तरीके से कस्टम फॉर्मेटिंग भी आप सेट कर सकते हो, वो काफ़ी सारी फॉर्मेटिंग है ऑलरेडी इसमें। और आपको जनरल लेना, जनरल क्लिक कीजिए, ओके कर दीजिए, तो देखो आपके लिए जनरल फॉर्मेटिंग में आ गया है। तो काफ़ी बार होता है कि इस तरीके से हमारी नंबरिंग चेंज होती है, तो वो आप यहाँ पे फॉर्मेटिंग में जाके यहाँ से आप इसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप जैसे जनरल में करेंगे तो करेंसी हट जाएगी और बिल्कुल जनरल नंबरिंग आ जाएगी, इसे भी आप सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अलाइनमेंट पे। अलाइनमेंट काफ़ी अच्छा ऑप्शन है फ्रेंड्स, जैसे आप अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं लेफ्ट राइट का और सेंटर का, उसी तरीके से आप टॉप और बॉटम का भी अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक न्यू ले लेता हूँ सेल, इसके अंदर जैसे मैंने एक लिख दिया इंडिया, यहाँ पे लिखा
इंडिया, और इसको कॉलम को थोड़ा चौड़ा कर दिया और इसकी हाइट भी बढ़ा दी। लेकिन देखिए आप, इसका जो अलाइनमेंट है वो लेफ्ट बॉटम में आ रहा है। यदि इसका अलाइनमेंट सेट करना हो तो आप जनरल में जाइए, यहाँ पे आपको अलाइनमेंट मिलेगा। यहाँ से इसका अलाइनमेंट देख लीजिए, आपको कितना रखना है, सेंटर रखना है तो आप सेंटर कर दीजिए, और टॉप और बॉटम से जो अलाइनमेंट है वो भी आप सेंटर कर सकते हो। जैसे मैंने सेंटर कर दिया तो ये क्या आपको दोनों साइड से सेंटर में आ जाएगा सेल के। ये ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा आपके अलाइनमेंट में भी, लेफ्ट राइट सेंटर, या टॉप रखना है तो टॉप, सेंटर रखना है तो सेंटर, और बॉटम में रखना है तो बॉटम। तो ये देखो आपके लिए यहाँ पे एक ग्राफिक्स दिए हुए हैं, उससे आप भी सेट कर सकते हो। नेक्स्ट सेल फॉर्मेटिंग का एक और ऑप्शन है, जो अलाइनमेंट में आप चलोगे इसके इंडेंट स्पेसिंग। इंडेंटिंग हालांकि मैंने पिछले वीडियो में बता रखी है, लेकिन मैं फिर से आपको बता देता हूँ, यहाँ से आप लेफ्ट इंडेंट भी दे सकते हैं। अब इंडेंट वाला ऑप्शन ओपन हो गया, ओके हुआ थ्री का, तो इसने क्या किया, थ्री का इंडेंट आ गया है यहाँ से। ठीक है, अलाइनमेंट आपने सेट किया लेकिन यहाँ पे बॉटम किया होता, ये सेंटर किए कीजिए, इसको लेफ्ट भी कर लीजिए तो भी क्या रहेगा, ये इंडेंट रहेगा यहाँ से, तो ये इंडेंट स्पेसिंग आई हुई है। यदि मैं इंडेंट स्पेसिंग को कम करूँ, ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए अलाइनमेंट में जाइए, वापस से मैंने इंडेंट को क्या किया, एक का कर दिया, ओके, ये देखो एक का इंडेंट आ गया। इंडेंट क्या होता है, हल्का सा स्पेस दे देता है आपको लेफ्ट साइड से किसी भी सेल के अंदर, तो वो इंडेंट स्पेसिंग कहलाती है। ठीक है, इसी तरीके से रैप टेक्स्ट होता है, रैप टेक्स्ट का ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है, टेक्स्ट को रैप करना, जैसे आपने एक सेल के अंदर बहुत बड़ा टेक्स्ट लिख दिया, ठीक है, जैसे इज अ गुड बॉय, तो ये अभी क्या आ रहा है टेक्स्ट। अब नेक्स्ट सेल में जैसे मैं एंट्री करूंगा, जैसे मैं एंट्री करूँगा, तो ये देखो ये टेक्स्ट क्या हुआ, इसमें हाइड हो गया। तो यदि मैं इसको रैप टेक्स्ट कर दूंगा, चाहे तो आप यहाँ से कर सकते हैं, या फिर आप इसमें जनरल सेटिंग में जाके भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यदि आप रैप टेक्स्ट करेंगे, तो रैप टेक्स्ट को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको सेलेक्ट कीजिए, तो जैसे आप रैप करेंगे टेक्स्ट को, तो टेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। इसी तरीके से हम नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं इसका, सेल फॉर्मेटिंग में फॉन्ट। फॉन्ट के अंदर हम सेल फॉर्मेटिंग में फॉन्ट, इसका रेगुलर स्टाइल और इसका साइज क्या रखना है, या फॉन्ट का कलर क्या रखना है, वो सब भी चीज़ हम चेंज कर सकते हैं, मैं ये पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। और इसी तरीके से फॉर्मेट में बॉर्डर भी है, कि आपको बॉर्डर कहाँ पे यूज़ करना है, आपको बॉटम में रखना है, बॉटम इस तरह का बॉर्डर देना है, तो आप इस तरह का बॉर्डर भी सेट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे मैंने फॉर्मेट सेल के अंदर गया, यहाँ से मैंने बॉर्डर को चूज़ किया, मेरे को इस तरह का ये डबल लाइन का बॉर्डर लेना था सेल में, ओके किया, तो यहाँ पे डबल लाइन का बॉर्डर शो हो जाएगा। शो नहीं हुआ, एक बार देखते हैं वापस से, यहाँ से मैंने बॉर्डर को सेलेक्ट किया, डबल लाइन का बॉर्डर लिया, ओके, यहाँ पर मैंने ये सेलेक्ट नहीं किया था, तो मुझे यहाँ पे ये लाइन सेलेक्ट करनी पड़ेगी, ओके किया मैंने, जैसे सेलेक्ट किया तो ये देखिए आपके बॉटम का बॉर्डर आ गया। तो जिस सेल को भी आप सेलेक्ट करोगे, जैसे मुझे इन पूरी स्पेस करना है सेलेक्शन, तो मैंने इसको पूरे को सेलेक्ट किया, और मैं यहाँ पे फॉर्मेट सेल के अंदर जाऊँगा, यहाँ पे मैं बॉर्डर में जाऊँगा, बॉर्डर के अंदर मैं डबल लाइन का बॉर्डर सेलेक्ट करूँगा, और ये बॉटम सेलेक्ट करूँगा, जैसे यहाँ पे ये प्रीव्यू शो होगा तो ये बॉर्डर आपके यहाँ पे शो हो जाएगा। इसी तरीके से मैं फिल के अंदर जाके बैकग्राउंड में कोई मेरे को हल्का सा इफेक्ट देना तो वो भी दे सकता हूँ मैं, और इसको ओके कर सकता हूँ। जैसे मैंने ओके किया, ये देखिए एक बॉर्डर आ रहा है आपका, बॉर्डर बॉटम लाइन में, आप इसका प्रीव्यू भी चेक कर सकते हैं, ये देखो प्रीव्यू के अंदर आपको यहाँ पे शो हो रहा है, तो इस तरीके से ये बॉर्डर शो होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कंप्लीट एक सेल फॉर्मेटिंग के ऑप्शन थे जो मैंने आपको आज की क्लास में बताए, उम्मीद है आपको काफ़ी पसंद आए होंगे। नेक्स्ट क्लास में आपको मैं बताऊंगा नेक्स्ट कुछ और ऑप्शन ऐसे ही इंटरेस्टिंग, जो आप इजीली सीख सकते हैं। एक ओरिएंटेशन रह गया था, मैं ओरिएंटेशन के बारे में आपको एक ही मिनट में बताता हूँ अभी क्लास में, इसी क्लास में। जैसे मैंने ये लिख रखा है, यहाँ पे एक टेक्स्ट लिख रखा है, राम इज अ गुड बॉय, तो मैं इसका ओरिएंटेशन भी सेट कर सकता हूँ। ओरिएंटेशन मीन्स इसका मैं जो ये एंगल है उस एंगल को चेंज कर सकते हैं हम। यहाँ पे आइए आप अलाइनमेंट में, अलाइनमेंट में आपको कितना डिग्री एंगल चेंज करना है, ओके 45 डिग्री, तो देखो 45 डिग्री पे चेंज हो गया। यदि ये सिंपल कुछ लिखा हो, जैसे डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन ठीक है, तो देखो डिस्क्रिप्शन इस तरीके से आ जाएगा, आप इसकी थोड़ी साइड बढ़ा दीजिए तो इस तरीके से आपको शो होगा। आप पूरा कम्प्लीटली इसको यहाँ से भी कर सकते हैं, वर्टिकल एंगल में भी कर सकते हैं, पूरा वर्टिकल आपको इस तरीके से लाइन में कुछ करना हो, डिस्क्रिप्शन लिखना हो इस तरीके से, तो वो भी लिख सकते हो आप। वर्टिकल या रोटेट करना हो किसी भी तरीके से, अप की साइड में या डाउन की साइड में, ठीक है, तो ये ऑप्शन दे रखे हैं। फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट में यहाँ से भी आप आके कर सकते हैं, जितना भी आपको एंगल चेंज करना हो, आपको इस तरीके से एंगल में देना हो तो यहाँ पे भी आप दे सकते हो। तो ये आप पे डिपेंड है कि आपको अपनी फॉर्मेटिंग किस अकॉर्डिंग सेट करनी है। उम्मीद है आपको फ्रेंड्स ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है ये आपके लिए,
और काफ़ी इजी से मैंने ये ऑप्शंस बताए आपको। अगले वीडियो में मैं ज़रूर आपको और कुछ नए ऑप्शन बताऊंगा एमएस एक्सेल के। आप मेरा चैनल इसी तरीके से शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा, लाइक ज़रूर करना, मत भूलिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स।